जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर के बाजारों में महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस कारण देश भर पेट्रोलियम पदार्थ तेजी से बढ़ने के कारण माल भाड़ा काफी बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बाजारों में हर वस्तु के रेट आसमान की ऊंचाइयों पर है। वहीं यूपी के तिलहन बाजार में लंबे समय से राहत के बाद आज उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल के रेट 176 रुपए लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि इससे पहले 15 अप्रैल को 157 रुपए प्रति लीटर थे। इस तरह सरसों के रेट पूरे 19 रुपए बढ़ गए हैं। हालांकि इससे पहले मार्च में औसतन सरसों के तेल रेट 153 रुपए थे, जबकि इससे पहले यूपी में ही सरसों का तेल सबसे ज्यादा 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए थे। उसके मुकाबले अभी बाजार में सरसों का तेल 34 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। देश भर के तेल तिलहन बाजार में महंगाई लगातार बढ़ रही है। वहीं रसोई के सामान से लेकर कीमत धातु सोना चांदी हो अथवा निर्माण सामग्री, सभी के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अभी तक सरसों के तेल के दाम 157 रुपए पर स्थिर थे, लेकिन अचानक से यूपी में सरसों के तेल के भाव में 19 रुपए प्रति लीटर की भारी उछाल देखने को मिली है। अब यूपी में सरसों का तेल 176 रुपए पर पहुंच गया है। बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि ये अप्रत्याशित बढ़ोतरी अधिक दिनों के लिए नहीं है, जल्द ही यूपी में सरसों के तेल फिर से सस्ता हो जाएगा। तो अब बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।